लाइट्स रेडी, साउंड रोलिंग, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय पवार। आई एम फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फिल्म एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फिल्म पैरासाइट। ये का कपड़ा पहने हो क्या? हाँ, बदल दो इसको, बदल दो। ठीक है। सो हम बोल रहे थे पैरासाइट मूवी के बारे में, बात करते हैं फिल्म के कास्ट एंड क्रू के बारे में। फिल्म की स्टोरी लिखी है बोंग जूंग हो ने, स्क्रीन प्ले लिखा है बोंग जूंग हो ने और डायरेक्शन भी किया है बोंग जूंग हो ने, और बाकी जो बंदों के नाम है वो हम नहीं ले सकते, वो यहाँ आ गए होंगे, आप पढ़ लीजिए। पैरासाइट मूवी का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है फैमिली, और जो मूवी की थीम है वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ। मूवी का जो नैरेटिव है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है, और टाइम और स्पेस के बारे में बात किया जाए। टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत जगह पर इफेक्टिवली दिखाया गया है। स्पेस के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम मूवी रिच फैमिली के हाउस में शूट की गई है, उनका बेसमेंट, बेडरूम, वार्डरोब, बाथरूम, ये सभी चीज़ें दिखाई गई है। और जो पुअर फैमिली है उनके भी हाउस में मैक्सिमम सीन्स है, उनका भी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश किया गया है। उसके साथ साथ स्पेस में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, हॉस्पिटल, मार्केट, इंटरनेट कैफ़े, और जो रिच एंड पुअर के स्ट्रीट्स है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। फिल्म एस्थेटिक्स के बारे में बात की जाए तो एक रियलिस्टिक मूवी है, और फिल्म का जो विजुअल लुक है, मतलब इस मूवी का जो कोर कह सकते हैं हम विजुअल लुक है, जैसे कि इस मूवी में जो जो रिच एंड पुअर के बीच का फासला है वो सभी जगह पर विजुअल्स के हेल्प से दिखाया गया है। मतलब एक एग्जांपल लिया जाए तो जहाँ जहाँ पुअर फैमिली रिप्रेजेंट की गई है वो बेसमेंट में की गई है, उनके घर जाने के रास्ते नीचे है, और जो रिच फैमिली दिखाई गई है, रिच फैमिली के यहाँ हर एक जगह पर वो अपवर्ड जा रहे हैं, उनके घर के एंट्रेंस भी नीचे से ऊपर आ रही है, उनका घर भी एक हाइट पर है। ये चीजें विजुअल लुक में मिस्टर बोंग जूंग हो ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। बात करते हैं फिल्म के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में। पर्टिकुलर स्पेस है, जैसे एग्जांपल लेने गए तो उनका जो टॉयलेट दिखाया गया है वो टॉयलेट रिपीटेटिवली दिखाया गया है कि वो एक सिंबोलिज्म का काम कर रहा है। उसके बाद जो रिच फैमिली है उनके हाउस के पर्टिकुलर विजुअल से पर्टिकुलर एंगल से ही शूट की गए है, तो इसकी वजह से ऑडियंस को रिपीटेशन का फील आता है और वो स्पेस प्रॉपरली एस्टेब्लिश होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट या सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव चीज कह सकते हैं हम जो यूज की गई है वो है स्मेल। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कैरेक्टर उस स्मेल के बारे में बार बार हमें रिमाइंड करके दे रहा है। उन्होंने नैरेटिव में उसको ऐसे यूज किया है कि वो स्मेल सेमी बेसमेंट का स्मेल है, उन फैमिली से आता है, वो उन्होंने प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। फिल्म में जो पीच का सीन दिखाया गया है, पीच एलर्जी का, वो सीन एक नॉर्मल है, मतलब हम किसी को भी कह सकते हैं, मगर उस सीन को, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है फिल्म में, स्लो मोशन यूज करके या फिर बैकग्राउंड स्कोर यूज करके, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम कह सकते हैं इस मूवी का, जो बेसमेंट में रहने वाला आदमी है उसे हम साइको या किलर कहते हैं, वो जो मूवमेंट है उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया है वो सबसे मतलब अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है मूवी का, जिससे मूवी का नैरेटिव एक अलग ही दिशा में चलने लगता है। मूवी का बेस या मूवी का मेन जो थीम है रिच एंड पुअर का डिफरेंस दिखाना वो है, मगर उसमें ये चीज एक थ्रिलर का काम कर रही है, इससे मूवी का जो फ्लो है वो अलग दिशा पर जा रहा है। और इम्पोर्टेंट मूवमेंट में एक मूवमेंट है जो इस फिल्म को एक अनदर लेवल पर ले जाती है, वो है जो मिस्टर किम है वो मिस्टर पार्क का खून कर देते हैं एंड में, वो जो मूवमेंट है वो
किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, मगर वो इस रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है कि वो उस नैरेटिव में परफेक्टली फिट हो जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स। अब हम बात करते हैं डायरेक्टर स्टेटमेंट के बारे में। जो बोंग जुंग हो मूवी का जो डायरेक्टर है, इस मूवी को हम डायरेक्टर्स फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि हर एक मूवमेंट, हर एक जगह पर डायरेक्टर ने अपनी छाप छोड़ी है। हर एक मूवमेंट को उन्होंने अपने तरीके से क्रिएट किया है। अगर हम स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे और मूवी का विजुअल्स देखेंगे तो वो प्रॉपरली अप टू द मार्क एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस फिल्म को हम डायरेक्टर्स मूवी कह सकते हैं। एंड में हम बात करेंगे ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बारे में, जो फिल्म की एक्टिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सभी चीजें और सेट्स, ये सभी चीजें फिल्म के नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। एंड में देखा जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जो फिल्म के नैरेटिव को हम डीपली अगर देखें तो जो पुअर फैमिली है, उस पुअर फैमिली के सभी कैरेक्टर के लाइफ में एंड में बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। जैसे कि हम बात करेंगे पुअर फैमिली में जो फादर है, वो फादर पहले से केयरिंग दिखाई गई है, और जो केयरिंग पर्सन है वो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसने के बाद वो डाउन चले जाते हैं, उनका किसी को पता नहीं चलता। उसकी जो बहन है, जो बहन दिखाई गई है वो होशियार दिखाई गई है उस पुअर फैमिली की, तो वो होशियार लोगों को हमेशा किसी ना किसी बड़े प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये नैरेटिव में दिखाया गया है। इसके लिए उसकी बहन एंड में मर जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसके हिसाब से हम ये मूवी को देखते हैं, वो जो है वो ट्रिकी है, तो वो ट्रिकी होने की वजह से वो उसको प्रॉब्लम में आता है, मगर वो बच जाता है, उसकी जिंदगी दाव पर नहीं लगती। और उसकी उनकी जो मदर दिखाई गई है फैमिली की हेड, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन दिखाई गई है, वो स्ट्रांग पर्सन दिखाई गई है, और उसका स्ट्रांगनेस फिल्म में हर एक जगह पर उन्होंने दिखाया गया है। और वो स्ट्रांग होने के कारण उसको एंड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग है इसलिए उसके कैरेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में। थैंक यू।